बाकी लोग भी सभी लोग जागरूक हो रहे हैं इस तरीके से। हम वो जो हमारा दलित समाज है और वाल्मीकि रोहित समाज जागरूक हो रहा है, और यहाँ पर जो 3 दिन से धरना चल रहा है, जो बाबा साहब ने अधिकार हमें दिए हैं उन अधिकारों को लेकर धरना चल रहा है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। जबकि बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए वो तो हमें सारे अधिकार मिलने चाहिए, हम उन अधिकारों के हकदार हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी जो अन्य लोग हैं वो थोड़ी उनके साथ थोड़ी ऐसा होता है, एक दलित समाज को क्यों दबाया जा रहा है, उनको ही क्यों इतना कुचला जा रहा है? तो इसके लिए हम संघर्ष हमारा जारी है और जारी रहेगा, और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, और अपने अधिकारों से हम वंचित रहेंगे, अपने अधिकार हम लेके रहेंगे, ये हमारा हक है। अनिता उज्जैनवाल जी, मुजफ्फरपुर के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार रेप होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, इन दोनों राज्यों के अंदर बड़े पैमाने पर कंपटीशन चल रहा है कि इस तरीके से कि महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं, आपका क्या कहना है? अन्य अन्य राज्यों में जहाँ भी जो महिलाओं के साथ रेप होता है वो सिर्फ दलित महिलाओं के साथ ही रेप होता है, क्योंकि दलित वर्गों को कमजोर माना जाता है, उनको कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि इनके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, इनका कोई नेता नहीं है, ये अपना नेता बना नहीं सकते। बाकी समाज के जो और लोग हैं उन महिलाओं के साथ ऐसी घटना कोई घटती है, क्योंकि उनके सारे मंत्री बैठे, उनके नेता बैठे, उनके उपमंत्री मतलब सारे नेता उनके ही होते हैं, हमारा कोई नेता नहीं होता, इसलिए हमें दबाए कुचला जाता है। और जब FIR की लिखने वाली बात आती है तो FIR भी नहीं लिख जाती है, पुलिस प्रशासन हमारे साथ नहीं है, मीडिया हमारे साथ नहीं है, पब्लिक हमारे साथ नहीं है, नेता हमारे साथ नहीं है, तो इस तरीके से हमारी महिला कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। आप महिलाओं से क्या कहना चाहती हो? मैं महिलाओं से यह कहना चाहती हूँ कि आप अपने अधिकारों के लिए इतनी जागरूक हो जाओ कि आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़े, आप अपने हक के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ सको, सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब दे सको, ताकि दोबारा गलती ना कर सके। अनिता जी, आपको पूरी पावर मिल गई है और पावर का आप इस्तेमाल करना चाहिए, तो महिलाओं को बार बार आप जाके कैडर लेने चाहिए, आप कैडर ले रही हैं, महिलाओं को शिक्षा दे रही है, प्रशिक्षण दे रही है। हम जा रहे हैं दिल्ली के हर वार्ड में जा रहे हैं और महिलाओं को जागरूक कर रही हूँ उनके अधिकारों के प्रति, ताकि उन्हें अपने अधिकार मालूम हो, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। अन्य कोई घटना घट जाती है वो किसी दूसरे को बुलाती है तो नहीं आ पाता है। आप इतनी जागरूक हो, इतनी होशियार हो कि अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ो, सामने वालों को मार टक्कर दे सको, बाकी की मतलब और समाप्त करती हूँ।